हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारत के मशहूर अभिनेता कार्तिक आर्यन के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कार्तिक आर्यन ने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया कि आज में सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को मेरे साथ। मेरा नाम है आध्या प्रजापति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता और माता दोनों ही डॉक्टर हैं। कार्तिक के पिता मनीष तिवारी बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनकी मां माला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनका असली नाम कार्तिक तिवारी है। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम कृतिका तिवारी है। कार्तिक आर्यन का बचपन ग्वालियर में ही बीता। कार्तिक आर्यन का असली नाम कार्तिक तिवारी है, लेकिन उन्होंने अपना ऑन स्क्रीन नाम सन 2013 में बदल लिया। कार्तिक आर्यन की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर शहर में ही हुई। इसके बाद उन्होंने 12th की पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल ग्वालियर से पूरी की। उन्होंने नई मुंबई के DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जैव प्रौद्योगिकी में इंजीनियर की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने फिल्म और मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। कार्तिक आर्यन ने यूनिवर्सिटी में रहते हुए मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और फिल्मों के लिए असफल ऑडिशन के 3 साल बाद कार्तिक ने क्रिएटिंग कैरेक्टर्स इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया। उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन करने के बाद ही अपने माता पिता को अभिनेता बनने की इच्छा के बारे में बताया। एक रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक को उनकी पहली फिल्म फेसबुक के जरिए मिली थी। कहा जाता है कि निर्देशक लव रंजन ने फेसबुक पर कार्तिक की एक फोटो देखी थी, जिसके बाद उन्होंने कार्तिक को अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा और कार्तिक के ऑडिशन के बाद उन्होंने प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए साइन कर लिया। कार्तिक आर्यन को पहली फिल्म में मौका तब मिला था जब कार्तिक इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थे। अपना कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने सन 2013 में बॉक्स ऑफिस पर असफल आकाशवाणी के साथ वापसी की और इस फिल्म का निर्देशन भी उनके PKP निर्देशक लव रंजन ने ही किया था। कार्तिक आर्यन ने हिंदी सिनेमा में फिल्म प्यार का पंचनामा से एंट्री मारी थी। यह फिल्म सन 2011 की जबरदस्त फिल्म साबित हुई थी। फिल्म की कहानी आज के युवा वर्ग को लेकर बनाई गई थी। साल सन 2014 में अभिनेता कार्तिक को भारत के प्रसिद्ध निर्देशक सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया था और इस फिल्म का नाम कांची अनब्रेकेबल रखा गया था। हालांकि साल सन 2014 में बड़े पर्दे पर आई ये फिल्म नाकाम साबित हुई थी और इस तरह से कार्तिक ने लगातार 2 फ्लॉप फिल्में दी। साल सन 2015 में लव रंजन ने फिर से कार्तिक आर्यन के साथ मिलकर प्यार का पंचनामा 2 नाम की मूवी बनाई। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा पसंद किया गया और कार्तिक को लंबे समय के इंतजार के बाद एक हिट फिल्म मिली। वही साल सन 2017 में अश्वनी धीर के निर्देशक में गेस्ट इन लंदन फिल्म बनाई गई थी, लेकिन यह फिल्म भी असफल रही। साल सन 2018 में कार्तिक आर्यन के करियर के लिए टर्निंग ईयर रहा। लव रंजन के साथ उनकी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी काफी हिट रही। यह फिल्म साल सन 2018 की लो बजट ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने मुंबई में एक बंगला खरीदा और अपने माता पिता को भी अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्यार का पंचनामा 2, गेस्ट इन लंदन, लुका छुपी, पति पत्नी और वो, लव आजकल आदि फिल्मों में अभिनय किया है। कार्तिक आर्यन जब मुंबई आए थे तब उनके पास अपना घर नहीं था। ऐसे हालातों में उन्हें 12 लोगों के साथ अपना कमरा शेयर करना पड़ा। अपने एक दिए गए इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने बताया था कि जब उनकी पहली फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अलग से कोई कमरा किराए पर ले सके, इसलिए उन्हें 12 लोगों के साथ एक छोटा सा कमरा शेयर करना पड़ा। दोस्तों, अगर आप भी कार्तिक आर्यन को एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।